जेब में आंधी हो चाहे ना हो, ठीक है, ये दिल में जो है वो आंधी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठीक है, ठोकरे खाने से अकल आती है। ये है मेरा रूटीन, यहाँ पे लिखा हुआ है मिशन जैसे जुड़ी 2024, ठीक है। सक्सेस जो है वो सक्सेस पाने के लिए खुद के अंदर जीत होनी चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर जीत नहीं है वो कभी जो है वो सफल नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी कि आप सभी लोग का जो है वो तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले केवल और केवल एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है। एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी सारी बातें हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, कि आप किस रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। हम अपना रूटीन इसमें दिखाएंगे, आपको लाइव रूटीन दिखाएंगे कि मेरा जो है वो क्या रूटीन है, हम किस रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो तो सक्सेस जो है वो सक्सेस पाने के लिए खुद के अंदर जीत होनी चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर जीत नहीं है वो कभी जो है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सोचने वाले तो हर कोई सोच लेता है, ठीक है। जो पढ़ता है वो भी सोचता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी सोचता है। तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, खुद के अंदर क्या होना चाहिए, जीत होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन आपके अंदर जीत हो गया, जोश आ गया, जुनून आ गया कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, तो बस वही चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है, और कोई दूसरा चीज़ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो खुद के अंदर पहले जो है वो जीत को उत्पन्न करो, अगर अंदर जीत हो जाएगा तो जो है वो हर चीज़, ठीक है, हर चीज़ जो है वो आपको सफल नजर आएगा, ठीक है। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल को अगर हम तोड़ेंगे तो आई एम पॉसिबल बनेगा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, उसी में है छिपा हुआ आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपना रूटीन, ठीक है ना, मैं खुद का रूटीन, मैं किस रूटीन को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो चलो हम लाइव आपको दिखाते हैं। इससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का जो है वो एग्जाम डेट आपका आ गया, कब से है, 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, ठीक है ना। एसएससी जीडी का एग्जाम डेट 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, यानी कि टोटल 15 दिन आपका जो है वो एग्जाम चलने वाला है। अभी आपके पास में कम से कम तो 3-3.5 महीने का जो है वो समय बचा हुआ है, ठीक है। 3-3.5 महीने में आप किस जगह पर, ठीक है ना, अच्छे ढंग से तैयारी कैसे कर पाओगे, ठीक है। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे लोग 12 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा भी पढ़ते हैं, कुछ कोई स्टूडेंट जो है वो 8 घंटा 6 घंटे में पढ़ते जो है सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। तो 8 घंटे और 6 घंटे पढ़ने वाले को सिलेक्शन हो जाता है, 12-15 घंटे पढ़ने वाले को सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, इस वीडियो में हम आज सभी को बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम अपना रूटीन दिखाते हैं, ठीक है, मेरा रूटीन जो है वो क्या है। देखिए ये है मेरा रूटीन, यहाँ पे लिखा हुआ है मिशन एसएससी जीडी 2024, ठीक है। मैथ्स का अगर बात करें, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का जो टाइमिंग रखें कितना बजे से कितना बजे तक, 11 बजे सुबह में, 11 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक। रीजनिंग का टाइमिंग कितना है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी रीजनिंग 2 घंटा, मैथ्स में हम 3 घंटा देते हैं, रीजनिंग में 2 घंटा, हिंदी जो है वो 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है, शाम तक। जीके जीएस जो है रात में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 2 घंटे इसमें टाइम देते हैं जीके जीएस में। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट जो है वो अब लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग भी, डेली एक सेट कम से कम लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि 1 घंटा का समय रहता है प्रैक्टिस सेट में, उसका एनालिसिस भी होता है, ठीक है। एनालिसिस करने का मतलब डिस्कशन, जो भी चीज़ें गलती होती है उसको डिस्कशन करते हैं 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ये सब रात में ही होता है, ठीक है। क्विक रिवीजन, यानी जितना जो हम एक दिन में जितना भी पढ़े, जैसे मैथ्स का मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, हिंदी, जीके, जीएस, ये क्विक रिवीजन करना है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटा जो है वो हम 2 घंटा इसमें क्या करते हैं, 2 घंटा जो है वो रिवीजन में टाइम देते हैं। 2 घंटा का है मतलब कि आधा घंटा मैथ का जो भी एक दिन में पढ़े, तो आधा घंटा में इसका रिवीजन हो गया, आधा घंटा में रीजनिंग का, आधा घंटा में हिंदी का, आधा घंटे में जीके जीएस का रिवीजन हो गया, ठीक है। इसको क्विक रिवीजन के नाम से हम लिखे हैं यहाँ पे, 1 बजे से लेकर 3 बजे सुबह तक, ठीक है। और हम सोने का जो समय है वो कितने बजे से है, 3 बजे, ठीक है, सुबह में, यानी कि सुबह में 3 बजे से लेकर 8 बजे तक सोते हैं, ठीक है ना, ये सही बात है, 3 बजे से लेकर 8 बजे तक सोते हैं। मैथ्स का जो टाइमिंग है कितना बजे, 11 से 2, यानी सबसे ज्यादा हम टाइम जो देते हैं वो किस पे देते हैं, मैथ्स पे देते हैं, इसीलिए शायद मेरा मैथ्स जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि मेरा पूरा जो है वो मैथ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत हद तक मेरा ठीक है, ठीक है। संडे को दिन क्या करते हैं, प्रीवियस 1 वीक का रिवीजन, आपको आप सभी को ये जरूर करना है, ठीक है ना, ये चीज़ें सबके लिए है। संडे को जो है वो प्रीवियस 1 वीक का रिवीजन, यानी कि एक सप्ताह में हम जितना भी पीछे पढ़े हो, ठीक है, जितना भी एक सप्ताह में पीछे पढ़े हो सबका जो है रिवीजन कर देना है किस दिन, संडे के दिन, ठीक है। तो ये था मेरा एक रूटीन, टाइम टेबल मिशन एसएससी जीडी का, ठीक है। यही रूटीन को जो है वो हम फॉलो करते हैं, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप सबका अलग अलग रूटीन होता है, ठीक है। मेरा पढ़ने का जो है वो टाइमिंग कितना बजे देख सकते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर हम रात में ही पढ़ते हैं, ठीक है, रात में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, दिन में जो है वो पढ़ाई नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस सेट हमेशा हम रात में ही लगाते हैं, क्योंकि रात में रात का जो है वो वातावरण थोड़ा सा शांत माहौल मिलता है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिस सेट रात में ही लगाते हैं, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। तो ये रहा आपका मिशन एसएससी जीडी का रूटीन, ठीक है। अगर उम्मीद करते हैं ये रूटीन अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग भी इसको फॉलो करना, ठीक है। टाइमिंग में देखो, टाइमिंग में चेंजिंग, हम जैसे मैथ पे 3 घंटा देते हैं, रीजनिंग में 2 घंटा, ये जो है वो आप लोग चेंज नहीं करना, टाइमिंग भले चेंज कर लेना, जैसे हम यहाँ पे रात में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, लेकिन किसी को जो है वो दिन में ही पढ़ना पसंद है तो आप दिन में इसको जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, आप अच्छे तरह से अपना तैयारी को स्टार्ट करिए, ठीक है। भाई जेब में गांधी हो चाहे ना हो, ठीक है, ये दिल में जो है वो आंधी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठीक है, ठोकरे खाने से अकल आती है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम रूटीन दिखाएं वो सभी को जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, लाइक किए होंगे, तो आप जरूर एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेरा जो रूटीन है वो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी जीडी का जो है वो बुक, ठीक है, बुक के बारे में कि बेस्ट बुक जो है वो कौन सा है, और प्रीवियस ईयर का जो सेट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट जो है वो कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप चाहे कोई भी लगा लीजिए, ठीक है, हर प्रकाशन का जो है वो ट्राई कर लीजिए, अभी आपके पास में समय है, ठीक है।
जैसे किरण पब्लिकेशन का भी लगा लीजिए, चक्षु पब्लिकेशन का लगा लीजिए, और फिर प्लेटफॉर्म का भी लगा लीजिए, टारगेट का भी लगा लीजिए, ठीक है ना, हर प्लेटफॉर्म का लगा लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ सबका जो है वो बेस्ट है, कोई भी जो है वो बेकार नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सबका लगा लीजिए, अभी आपके पास में समय है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक, देखो बेस्ट बुक मेरे पास में कुछ भी नहीं है, किरण पब्लिकेशन का एक मेरे पास में मोटा वाला किताब है, ठीक है ना, मैं उसी से मैथ पढ़ा था, ठीक है। बाकी जो है वो एसएससी जीडी के लिए हमको कहीं से भी कोई ना तो बैच परचेज करने की जरूरत है और ना ही जो है वो बुक खरीदने की जरूरत है, ठीक है। मेरे पास खुद का जो है वो नोट्स बनाया हुआ है, पिछले आपको पता होगा मेरा वीडियो जो कंटिन्यू देखते होंगे, पिछले हम दो बार से एसएससी जीडी में डिस्क्वालीफाई हो रहा है, किसमें मेडिकल में, ठीक है। रिटर्न निकल जाता है, अच्छा खासा नंबर आता है, उसमें फिजिकल भी निकलता है, बट मेडिकल में जो है वो एक प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ हर बार। 2021 में भी हुआ था सिलेक्शन और 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बाकी सब चीज़ में क्वालिफाई थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो देखो क्या होता है, 2023 और 2024 की जो वैकेंसी है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को चाहिए, मेरे पास में जो 2022-23 का जो टॉपर्स है, ठीक है ना, वो टॉपर्स का भी अगर आपको नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका हम नंबर दे देंगे, आप लोग जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, टॉपर्स का नोट। या फिर मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आपको मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, मैथ्स में ट्रिकी मेथड से मिलेगा आपको ऑल चैप्टर का, ठीक है ना, एक भी चैप्टर जो है अर्थमेटिक में ऑल चैप्टर का आपको ट्रिकी मेथड का नोट्स मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और हिंदी का, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आप सभी को अच्छा लगा होगा, लेकिन हाँ एक चीज़, जो नोट्स होगा वो आपका पेड होगा, ठीक है, पेड नोट्स होगा, 199 में जो है ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा मेरा, ठीक है। और मैथ्स का अगर चाहिए शॉर्ट नोट्स यानी शॉर्ट ट्रिक्स वाला नोट्स तो वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा कितना में, 99 में, ठीक है। बाकी उनका दे देंगे, जो टॉपर्स नोट्स, टॉपर्स का नोट चाहिए उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जो है वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट्स जरूर कर देना, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए कहीं जय हिंद।